क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। चलिए शुरुआत करते हैं 75 जिले की 75 खबरों से। श्रीकांत त्यागी केस में नोएडा में आज महापंचायत, आज 7 राज्यों में लोगों में जुटने का दावा, कई रास्तों पर रूट डायवर्जन। गाजियाबाद में बीजेपी की 38 जिलों की बैठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद, चुनावी तैयारियों पर फोकस। सहारनपुर में 10 ताले तोड़कर घर से 30 लाख की चोरी, मोबाइल फोन, व्यापारी परिवार के 7 बंदे दर्शन करने गए थे। दलितों की राह में आज भी दबंगई की फिसलन, मुजफ्फरनगर में दलितों के साथ घटित होती हैं रितान गला जैसी घटनाएं। एटा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन संपन्न, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, सैकड़ों मरीजों ने फ्री स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया लाभ। रायबरेली में दबंगों से परेशान युवक ने किया सुसाइड, नोट में लिखा मम्मी पापा हमें माफ कर देना, मैं आप लोगों की खुशियां नहीं दे पाया। इलाज के दौरान लापरवाही से एक और मौत, जौनपुर में 4 दिन में हुई 2 मौतें, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मासूम को किया बरामद, बच्चे की मां ने पुलिस से कहा आपने बचा ली मेरी जिंदगी। गोंडा में प्रधान की मनमर्जी से मजदूर परेशान, मनरेगा मजदूर की जगह जेसीबी से कराया जा रहा है काम, अमृत सरोवर तालाब में लगाई गई जेसीबी। मेरठ में 8 साल से घर बना रहा था नकली प्रोटीन, पुलिस ने 42 लाख रुपए और 1 करोड़ की दवाइयों के साथ किया गिरफ्तार। पीलीभीत में ग्रामीणों को बंधक बनाकर बदमाशों ने पीटा, पूछे अमीरों के मकान का पता, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में स्कूल के लिए निकले नवी के छात्र छात्रा, एक साथ भागे, सीसीटीवी कैमरे में हुई जानकारी। अंबाला में मिली लोकेशन, बरामदगी को पुलिस ने टीम रवाना। राजस्थान में दलित बच्चे की मौत पर प्रदर्शन तेज, हरदोई में सामाजिक संगठनों ने किया विरोध, पीड़ित परिवारों को मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग। शाहजहांपुर में 2 दिन पहले बुजुर्ग ने की थी आत्महत्या, फैक्ट्री मालिक पर लगाया था आरोप, रसूख के आगे पुलिस बेबस। हमीरपुर में यमुना और बेतवा का पानी उतराना शुरू, किसान बोले इस साल भी सैकड़ों बीघा फसल हुए ही बर्बाद, बीते साल का भी नहीं मिला मुआवजा। लखीमपुर खीरी के निगासन में अज्ञात वाहन और बाइक में आमने सामने की टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर, लखीमपुर से घर लौट रहे थे। चंदौली में धान की खेती पर पड़ा सूखे का असर, सिंचाई की समस्या से जूझ रहे किसान, लोगों ने उठाई सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। आगरा में बहन ने भाई पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, कहा परिवार में लड़कियों को मिलती है सिर्फ गाली और पिटाई। बांदा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 9 दिन पहले बिजली कर्मचारी बनकर चिल्ला में की थी लूट। चंदौली में मारपीट में घायल बुजुर्ग की मौत, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप, बोले कार्रवाई के बजाय थाने से भगा दिया। साक्ष के अभाव में पूर्व भाजपा विधायक बरी, रायबरेली के पूर्व विधायक की लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी सुनवाई। बाराबंकी में ग्राम प्रधान चुनाव के फर्जीवाड़ा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर महिलाएं बन गई ग्राम प्रधान, एसडीएम बोले मामले की जांच होगी। सीएम योगी का ऐलान, नहीं कटेंगे किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन, किसानों को मिलेगी पूरी बिजली, यूपी के 19 जिलों में 40% से कम हुई बारिश। पत्नी ने प्रेमी के साथ कराई पति की हत्या, अलीगढ़ के इगलास का मामला, 1 लाख में किया था सौदा, 15,000 दिए थे एडवांस। घास काटते किसान को सांड ने पटका, मौके पर मौत, मुजफ्फरनगर के हाईवे पर किसानों ने लगाया जाम, 5 लाख मुआवजे की घोषणा। ताजमहल बना बच्चों का स्विमिंग पूल, 30,000 पर्यटकों को ताज दिखाने में बिगड़ गई व्यवस्थाएं, पर्यटकों ने बारिश का उदलुट उठाया। बीजेपी नेता को कार में रंगरलियां मनाते पकड़ा गया, पत्नी सास ने नेता और उसकी गर्लफ्रेंड को भी सड़क पर चप्पलों से पीटा, बाल नोच कर घसीटा। गाजीपुर के जमानिया स्टेशन के पास मालगाड़ी बेपटरी, ट्रैक बाधित, 3 घंटे तक जहां तहां रोकी गई ट्रेनें। हमीरपुर में हुई दरिंदगी की, मंत्री को नहीं जानकारी, विपक्ष कर रहा है जंगलराज की बात, पीड़िता का अब तक नहीं चला पता।
अमरोहा में छोटे भाई की बड़े भाई की हत्या की चेहरे पर सीने पर जलाया, जमीन बेचने से किया था मना, चार गिरफ्तार। आगरा में हाल की छत पर अचानक गिरने से मचा अफरा तफरी का माहौल, मौजूद लोगों को राहगीरों की मदद से किया गया रेस्क्यू। बुलंदशहर में दो मंचलों ने युवती के साथ किया गैंगरेप, युवती और भाई को मौत के घाट उतारने का लगा आरोप, दोषियों के खिलाफ प्रशासन सख्त। गाजीपुर में ईडी और कुर्की की कार्रवाई के बाद गैंगस्टर कोर्ट में हाजिरी हुए सांसद अफजल अंसारी, कहा मेरा दामन पाक साफ। गाजियाबाद जल निगम पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से करेंगे वार्तालाप। गोरखपुर में मनभर युवक ने दंपति को दिन दहाड़े मारी गोली, दोनों हुए घायल, आरोपी युवक को लोगों ने पकड़कर जमकर की पिटाई। हरदोई में दबंगों से परेशान 12 परिवारों ने गांव से पलायन करने की दी चेतावनी, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात। कन्नौज में घर से बाहर सो रहे अधेड़ की अज्ञात हमलावरों ने कर दी हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू करी। कानपुर में दहेज को लेकर नवविवाहिता और उसके भाइयों को जमकर पिटाई का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, अधिकारियों पर रिश्वत लेने का लगाया आरोप। कन्नौज में साई नर्सिंग होम में पछता महिला का ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे एसडीएम व सीओ। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा है तेंदुआ का आतंक, तेंदुए के हमले से 8 वर्षीय किशोरी की हुई मौत। मऊ में नाले के विवाद को लेकर पुलिस की मौजूदगी में चल रही गोलियां लगने से एक की मौत, घटना को लेकर गांव में दहशत। प्रयागराज में ग्रामीणों की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, लोगों ने प्रशासन पर लगाए मिलीभगत के आरोप। सुल्तानपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग से बाल बाल बचे ढाबा संचालक, दबंग आरोपी पुलिस को घूम घूम कर दे रहे चुनौती। वाराणसी आजादी के अमृत महोत्सव पर ट्रैफिक जागरूकता रैली का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रैली को ईडी झंडी दिखाकर किया रवाना। संभल में संपूर्ण समाधान दिवस में खराटे लेती दिखी सीएमओ तरुणुम जहां, कैमरे में कैद हुई सीएमओ के सोने की तस्वीर। अमेठी में मैजिक और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक पर सवार युवक व 3 वर्षीय मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल। औरैया में पुलिस अधीक्षक ने किया फेरबदल, क्राइम ब्रांच के जिम्मेदारी देख जितेंद्र कुमार को थाना प्रभारी, अच्छलदा की दी जिम्मेदारी। बुलंदशहर में एक बार फिर से रिश्ते शर्मसार हुए हैं, 58 वर्षीय दादा ने 5 वर्षीय पोती से किया दुष्कर्म, आरोपी दादा के खिलाफ थाने में दर्ज कराया मुकदमा। अमेठी में तेज रफ्तार दो ट्रकों को की आमने सामने हुई टक्कर, हादसे में ट्रक पर सवार दोनों ड्राइवर व एक खलासी गंभीर रूप से हुआ घायल। बुलंदशहर में भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर लगाया मारपीट का आरोप, पीड़ित के भाई ने पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की दी तहरीर। चंदौली में ट्रक और ऑटो ने मारी टक्कर, घटना से ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, दो घायल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरखाबाद में अग्निवीर भर्ती में दौड़ लगाते समय युवक गंभीर रूप से घायल, युवक को सेना के जवानों ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फतेहपुर में इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी का जोरदार प्रदर्शन, अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरी भीम आर्मी। चंदौली में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, विपक्षी लोगों के हमले से घायल अधेड़ की इलाज के दौरान मृत्यु। गोंडा में शराबी युवक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील गाने पर डांस का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, वीडियो 15 अगस्त का बताया जा रहा है। हमीरपुर में मूसलाधार बारिश से गरीबों का कच्चा घर हुआ धराशायी, घर में सो रहे पति पत्नी मलबे में दबे, पति और पत्नी की हुई मौत। कन्नौज में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत हुई, गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की हुई मौत, परिजनों ने लगाया आरोप। कानपुर में किदवई नगर थाने पर बड़ी लापरवाही सामने आया है, लॉक अप में बंद अजय ने खुद को मारी ब्लेड, लहूलुहान हालत में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। लखीमपुर खीरी में खंड विकास अधिकारी रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पेंशन बनाने के नाम पर ली रिश्वत।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस हुई बेलगाम, दबिशों देने के नाम पर घर तोड़फोड़ करने पहुंचे, तोड़फोड़ का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ वायरल। बुलंदशहर में तलाकशुदा महिला की हत्या कर शव को नाले में फेंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस, पाजू थाना क्षेत्र में हुई खौफनाक वारदात। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी गार्ड के साथ महिला का गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, गेट खोलने में देरी करने पर महिला ने गार्ड को दी गालियां। चंदौली पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने दो हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार, डैना गांव के दोनों पक्षों की मारपीट में हुई थी मौत। श्रीवस्ती में 17वीं अंतर जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार ने प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। गोंडा के पिपरा चौबे नगर में मिली युवक की लाश, मृतक श्रीवस्ती जिले के गिलोलर का बताया जा रहा है, 20 अगस्त को घर से जाते समय मरसी नगर में गिर गई थी कार। ललितपुर में घरों में घुसा बारिश का पानी, लोगों ने जमकर जाम लगाकर किया प्रदर्शन, थाना अध्यक्ष का समाधान व आश्वासन देकर करा शांत। सिद्धार्थनगर में परिपरिषदीय विद्यालयों के अभिभावकों और शिक्षकों की बैठक, डीबीटी के माध्यम से भेजी गई थी धनराशि दी जाएगी। बिजनौर में गंगा मलन का तेज से बढ़कर जलस्तर, हजारों बीघा फसल जलमग्न, तराई क्षेत्रों में रहने वालों की बड़ी मुश्किलें। वाराणसी में बाढ़ से 1500 घर डूबे, हरिचंद घाट डूबने के बाद दाह संस्कार गलियों में हो रहा है, वार्निंग लेवल से 50 सेंटीमीटर दूर जलस्तर। अमरोहा में तेंदुए ने नीलगाय के बच्चे को बनाया निवाला, ग्रामीणों ने दहशत व दरोगा बोले जल्द पकड़ा जाएगा तेंदुआ अमरोहा। भदोही में उफान पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भूमि का कटान शुरू, निचले इलाके में बसे लोगों को सता रहा है डर। शाहजहांपुर में सांप का खेल बना मौत का कारण, सांप पकड़ने के बाद एक घंटे तक खेलते रहे पूर्व प्रधान, पकड़ ढीली होते ही डसा। बदायूं में बिजली के तार टूटने से दो की मौत, बांस पर लाइन बांध रहे थे लाइनमैन, परिजनों में कोहराम। चित्रकूट में बीमार बूढ़ी मां को बैलगाड़ी से हॉस्पिटल लेकर पहुंचा बेटा, मनकापुर के डोडा गांव में नहीं पहुंची एम्बुलेंस, 8 किलोमीटर दूर मारकुंडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी, नमस्कार।